बिहार में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। विभाग ने राज्य के 10 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। इससे राज्य के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के पूर्व मध्य हिस्से में एक साइक्लोन सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन पूर्वी बिहार तक फैला है। इसका प्रभाव राज्य के ऊपर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं गुरुवार को खगड़िया जिला सबसे गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, मोतिहारी और कटिहार में हीट वेव की स्थिति बनी रही। राज्य के 20 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। वहीं शेखपुरा का 41.2 डिग्री सेल्सियस, पटना और बांका का 40.9 डिग्री सेल्सियस, गया और नवादा का 40.8 डिग्री सेल्सियस, जमुई का 40.7 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद और नवादा का 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलिए इस भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। शरीर को पूरी तरीके से ढक कर निकलें। कोशिश करें कि आपका हाथ, मुंह और सिर पूरी तरीके से ढका रहे। सूती कपड़ा पहने। घर से बाहर निकलते समय छाता साथ में ले जाना ना भूलें। घर में भी कमरे के तापमान को कम रखें और घर में हवा आती जाती रहे, इसका ख्याल रखें। पानी खूब पिएं, फलों का रस पिएं, नींबू पानी का सेवन करें। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिएं, यह शरीर को ठंडा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।